Good morning, students. So let us start our next topic, electric field lines. जब हमने electric field intensity पढ़ा था, तब हमने वहाँ पर बोला था, the direction of electric field is always same as that of the force. यानी जिस direction में force apply हुआ था, उसी direction में क्या था electric field की direction आई थी हमारे पास. तो याद हो आपको हमने एक केस लिया था, जैसे सपोज करो हमारे पास है ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इसकी वजह से हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो हमने क्या देखा था यहाँ पर, मान लो ये पी पॉइंट है एट अ डिस्टेंस आर, यहाँ पे हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा था. पॉजिटिव को क्या करता है रिपेल, तो फोर्स की डायरेक्शन ये थी, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी ये, जिसको आप ये बोल सकते हो आउटवर्ड. सिमिलरली आपने जब नेगेटिव चार्ज लिया था, नेगेटिव चार्ज के लिए हमें सपोज करो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे फिर वही पॉजिटिव चार्ज रखेंगे टेस्ट चार्ज, इसको क्या करेगा ये अट्रैक्ट करेगा, तो दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या आएगी ये, यानी इनवर्ड. ठीक है, तो ये तो है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन. अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक सीमित नहीं है, यानी अगर आप टेस्ट चार्ज को ऐसे यहां पर रखो तो आउटवर्ड एक्ट करेगा, यहां पे रखोगे तो भी आउटवर्ड एक्ट करेगा, यहां पे रखोगे तब भी आउटवर्ड एक्ट करेगा. तो उस तरीके से अगर हम देखें, हम ड्रॉ करें अगर पॉजिटिव चार्ज को लेकर, जैसे हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो यानी आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. यानी अगर हम सिंपल किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो हम वहां पे एक पॉइंट पे शो कर देते हैं कि आउटवर्ड एक्ट कर रही है. ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं स्फेरिकली शो करेंगे, यानी अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से लूं तो ये क्या है आउटवर्ड है, यानी ये ऐसे एक्ट करेगी. सिमिलरली इस वे में, सिमिलरली इधर, सिमिलरली इधर, ऐसे ही एक्ट करेगी इधर, फिर इधर एक्ट करेगी, फिर इधर एक्ट करेगी, सेम इन दिस वे. ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरोज जो है ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ, यानी जिस डायरेक्शन में एरो हमने लगाए हैं उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहे हैं. साथ में एक चीज और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ई. अब आप कहोगे मैम कहां रिप्रेजेंट किए, देखो हमने पढ़ा था ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी ये जो है आर की क्या है आर स्क्वायर की क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी. तो यहां पर हम वही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले बड़ा एरो है फिर छोटा है फिर छोटा है. इसका मतलब इस सोर्स चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है. सिमिलरली अगर हम नेगेटिव के लिए करेंगे ड्रॉ, ये हमारे पास क्या है नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देते हो आपको क्लियर हो जाएगा, यहां से ये नेगेटिव चार्ज है इनवर्ड एक्ट करता है. सिमिलरली इधर करेगा इनवर्ड एक्ट, लेकिन बाद में हमने क्या किया है यहां पर शो एरो क्या होते जा रहे हैं छोटे होते जा रहे हैं. मैं थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में बना रही हूं इजी रहता है. मेरे एरो की लेंथ कम ज्यादा हो सकती है बट आपकी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, हाँ जी,
सेम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन, और जो एरो की लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए क्या है रेडली आउटवर्ड, और ये क्या है रेडली इनवर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमारी बुक्स में ऐसे नहीं रिप्रेजेंट किया हुआ है उसे, वहां कैसे किया हुआ है अभी मैं बताती हूँ। देखो वहां किया हुआ है इस एरो को इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की बजाय उन्होंने क्या किया, जैसे सपोज करो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव की वजह से क्या होगा आउटवर्ड, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, देन ऐसे, देन साइड, हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह, ऐसे क्यों है। अब आप कहोगे मैडम यहाँ पर तो सिर्फ एरो है, एरो की लेंथ कम ज्यादा नहीं होगी, एरो की डायरेक्शन से डायरेक्शन तो पता चल रही है लेकिन लेंथ तो कम ज्यादा नहीं है। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है कम, यहाँ पे डिस्टेंस है ज्यादा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस है ज्यादा, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड, डेंसिटी, क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यानी आप ये कह सकते हो मैग्नीट्यूड कहां से पता चला हमें, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स। ठीक है, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, सेकेंडली एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ होता ही नहीं है, ये क्या है मनगढ़ंत कहानियां, यानी इमेजिनरी लाइन्स। आप बुक में भी देखोगे, मैंने भी डेफिनेशन लिखी है, सेम सब जगह एक ही चीज लिखी हुई है, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, ये क्या है इमेजिनरी लाइन्स है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, स्ट्रेट और कर्व्ड, कर्व्ड कहां होगी वो नेक्स्ट उसमें आपको पता चलेगा, इमेजिनरी लाइन्स इन अ रीजन सच दैट द टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम ड्रॉ भी करके देखते हैं, पॉजिटिव का पता चला हमें, नेगेटिव का पता चला, क्लियर है, क्लियर हुआ ये, कोई डाउट है यहाँ पे तो अपना नोट कर लेना ताकि आप मुझसे पर्सनली पूछ सको। ठीक है, इसको नोट करो पहले। हाँ जी, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ होंगी हमें पता चल गया, पॉजिटिव की वजह से रेडली आउटवर्ड होंगी, नेगेटिव की वजह से रेडली इनवर्ड होंगी। अब हमारे पास आता है, सपोज करो हमारे पास दो इक्वल एंड सेम, इक्वल मींस मैग्नीट्यूड इक्वल है, सेम मींस नेचर सेम है, अगर दो इक्वल एंड सेम चार्जेस है हमारे पास सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी। देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जाएंगी आउटवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड जाएगी, इसकी वजह से भी क्या होंगी आउटवर्ड जाएगी, लेकिन ये इसको क्या करेगा अपोज करेगा। तो पहले मैं इनकी लाइन ज्वाइनिंग ले लेती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ये हमने क्या किया लाइन ज्वाइनिंग ली। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होंगी आउटवर्ड, ऐसे होंगी इधर से सेम आउटवर्ड, लेकिन जैसे जैसे पास होती जा रही है वो क्या होती जाएंगी कर्व्ड। इन दिस वे इन दिस वे सेम इधर से दिखाएंगे हम, थोड़ा ज्यादा हो गया,
तरीके से क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से क्या है, आउटवर्ड है। तो जो ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, देखो सपोज करो ये Q1 है, Q2, वैसे तो मैग्नीट्यूड सेम गया, नेचर सेम गया, तो Q रखो, यानी सेम चार्ज, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सेम चार्ज, सेम नेचर, यानी आप ले सकते हो Q1, अगर आप लेते हो 2 लेते हो, Q1 इज इक्वल टू Q2। तो जो न्यूट्रल पॉइंट है N हमारे पास, N दैट कम्स कहां आएगा, बिटवीन द टू चार्जेस, या बिटवीन बिटवीन तो बीच में भी हो सकता है, कम्स एट द मिडल ऑफ टू चार्जेस। क्यों आएगा बीच में, क्योंकि इस पॉइंट पर, यहां पर हेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेस आर जीरो, दोनों चार्जेस की वजह से क्या है, जीरो। क्लियर, समझ आएगा, यानी अगर दोनों चार्जेस इक्वल एंड सॉरी इक्वल एंड सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर है, तो न्यूट्रल पॉइंट हमारे कहां पे आएगा, मिडल ऑफ टू चार्जेस वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब सपोज करो इक्वल लेंगे, ठीक है, यानी मैं यहां पे लेती हूं Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो क्या होगा, जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है दैट शिफ्टेड टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज कौन सा है हमारे पास Q2, तो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी हमें मिडल में दिखाना नहीं है न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट कहां दिखाना है, टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। क्लियर, अब ये तो हमने सेम नेचर के लिए थे, अपोजिट नेचर भी हो सकता है, तो वो कैसे करेंगे हम, अपोजिट नेचर के लिए करते हैं, ये क्लियर हुआ, हाँ जी। अब हम करते हैं अपोजिट नेचर का, अपोजिट नेचर प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, आपने क्या करना है, प्लस की वजह से आउटवर्ड दिखाना है, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड दिखाना है। वैसे अगर आप प्रॉपर्टीज करो उसके बाद ड्रॉ करो तो इजी रहेगा, तो पहले हम प्रॉपर्टीज भी कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, हमने अभी पढ़ा कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से क्या होता है, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड। दैट मीन्स आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है, ठीक है, यही बनेगा। अभी हमने क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज से किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। सेकेंड इसमें डेफिनेशन में हमने कर लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है। अब हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमें पता चल गया क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती हैं, और दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स। अब थर्ड पॉइंट बनता है डेंसिटी का, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स gives magnitude of
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द लाइंस गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी अभी हमने देखा था डेंसिटी मतलब उसके बीच में जो सेपरेशन है, डेंसिटी मतलब आप कह सकते हैं क्राउडनेस है, क्लोजनेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत पास पास होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां पर वो दूर दूर चली जाएंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास बनता है पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट विच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है सेम है, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म. और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है सेम नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड. तो मैंने कहा पैरेलल सॉरी स्ट्रेट एंड इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइंस. यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, जैसे सपोज करो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी पैरेलल लाइंस, ठीक है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप हो रहा है, इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो ये है हमारे पास पैरेलल है, स्ट्रेट है, इक्विडिस्टेंस में है. यहां पर मुझे फाइंड करना है यहां पे ई ए बी ई सी. तो हम यहां पे क्या कहेंगे, ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी. तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है. ठीक है, लेकिन अगर ये पैरेलल नहीं होती, सपोज करो कुछ आ जाता है हमारे पास, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है, ठीक है, ये है, ये है, फिर ये आ गई, यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे ज्यादा है, इस पॉइंट पे कम है, फिर इस पॉइंट पे और कम है, क्योंकि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, क्लियर है, नोट कर लें. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस. स्पेस में जाकर खत्म नहीं होते. अब तुम कहोगे मैडम आपने तो ड्रॉ किया था पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये, ठीक है, तो आगे तो नहीं है, यहां तक आपने खत्म कर दिया. नहीं, आप इसको और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि स्पेस में जाके ये खत्म हो जाती है. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस. नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ, इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक आप चेक कर लेना, जेई पेपर में आया हुआ है, जेई मेंस में. द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. वो कह रहा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे सपोज करो मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, इसमें से फील्ड लाइंस जा रही हैं चार, ठीक है, फोर. अब मैंने चार्ज लिया टू क्यू, चार्ज क्या हो गया डबल, तो फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी, डबल. यानी अब चार नहीं रहेगी, चार का डबल कितना हो जाएगा, एट, पांच, छ, सात, आठ, ठीक है, तो ये क्या होगी, डबल. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या इतना इजी क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये तो बिल्कुल सिंपल है. तो बेटा ऐसा है, प्रॉपर्टीज में कहीं भी आपको ये प्रॉपर्टी मेंशन नहीं की होगी कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और ना ही हम इस पॉइंट पर ध्यान देते, तो इसीलिए एक पॉइंट गलत हो जाता है. तो ये क्वेश्चन आ कैसे सकता है वो मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको नोट करो. तो
तो क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आया क्यू ए चार्ज है, क्यू बी चार्ज गिवन है, इसमें इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर दी ऐसे, कुछ और भी ले लो सपोज करो दो 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 चार दो छह कुछ भी ले लो ठीक है। सेम यहां पर मैंने शो की वन टू, तो पूछता है फाइंड द रेशियो ऑफ क्यू ए एंड क्यू बी। तो देखो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी चाहिए, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू यानी सिक्स बाई टू दैट मीन्स थ्री ठीक है। तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, क्लियर है, यस। अब हमारे पास आता है सेवन पॉइंट, आई थिंक सेवन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान देनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिक टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं, दो चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग पे क्या होती है, वो सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक होती है। अब इसको आप कैसे समझोगे, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ये मेरे पास एक चार्ज है क्यू ए, ये है क्यू बी, दिस वन इज द लाइन ज्वाइनिंग, दो चार्ज है दोनों के बीच की लाइन ज्वाइनिंग है ठीक है। इस पे आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, सपोज करो यहां से ऐसे और फिर रिप्रेजेंट किया हुआ है ऐसे ठीक है, सिंपल आपको ये गिवन है। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है, सपोज करो आपके पास क्यू ए और क्यू बी में रिलेशन बताना है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जितन अगर लाइन ज्वाइनिंग की इधर फील्ड लाइंस बाहर आई हैं तो इधर भी वैसे ही बाहर आएंगी, यानी एक यहाँ है सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है तो क्या होगी ऐसे जाएंगी और फिर इसमें इनवर्ड ठीक है। तो यहां पर आपको क्या कैसे मैग्नीट्यूड पता चलेगा, ये एंगल मान लो कितना बना अल्फा, ये कितना है थीटा, हियर अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा, अल्फा क्या है बड़ा है थीटा से। अब देखो कैसे मैंने इसको लिया है, मेरे पास सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है ठीक है, तो हमने एक बात नोट की है यहां पर कि एंगल बड़ा कहां पर होता है। देखो अगर मैं सिंपल ये लू, ये एंगल बड़ा है, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दू, ध्यान से समझना ये चीज, तो एंगल क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, यानी फील्ड लाइंस जितनी पास पास होती जाएंगी उतना ही क्या है वहां पर एंगल क्या होता जाएगा छोटा, जितना दूर दूर होता जाएगा उतना क्या बनता जाएगा बड़ा। या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, पॉजिटिव चार्ज है क्यू ए क्यू बी, ये था हमारे पास, मैंने ऐसे ड्रॉ किया था ना, तो ये क्या यहाँ पे एंगल कम है यहाँ पे एंगल ज्यादा है, यानी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो एंगल क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल ज्यादा है तो यहाँ पे क्या है कम हो गई ठीक है, एंगल क्या है बड़ा है, यानी एंगल बड़ा होने का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है एक दूसरे से दूर है, यहाँ पे पास है, सेकेंड थिंग यहाँ से इसके अंदर आ रही है यहाँ से आउटवर्ड जा रही है, तो आउटवर्ड जाने का मतलब क्या है ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है ठीक है। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई या नहीं ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखो कंडीशन ये है कि अगर कंडक्टर पर है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा क्या होगा उसके
परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव चार्जेस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कैसे एक्ट करेगा, हमेशा परपेंडिकुलर, क्लियर है। ऐसे नहीं है किसी पर्टिकुलर एंगल पे आप ये कहो कि मैडम नहीं ऐसे एक्ट कर रहे हैं, नहीं, परपेंडिकुलर एक्ट करेगा हमेशा टू द सर्फेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मीन्स चार्ज रेस्ट पर, उसे क्या कंडक्टर से पास नहीं करता, क्यों नहीं करता। सपोज करो मैंने कहा कंडक्टर से पास करता है, यानी यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट माइनस है ना, माइनस चार्ज होता है, फोर्स की डायरेक्शन ही होगी। वैसे तो कंडक्टर के अंदर क्या है, चार्जेस रैंडमली मूव करते हैं जिगजैग पाथ में, कोई इधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है, फोर्स लगने की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिली है, और हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे तो वहां पे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, दैट मीन्स इट बिकम्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तभी तो मैंने यहां लिखा है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर से पास नहीं करती, क्लियर है। फोर्थ हो गया हमारे पास डेंसिटी से, मैंने बताया था क्लोजनेस, जहां पर पास पास होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होंगी, जहां पे दूर दूर होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द टेंजेंट ड्रॉन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, सपोज करो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूं तो मेरे पास क्या हुआ, दो टेंजेंट ड्रॉ हुए। दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन, और एक ही चीज की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसका रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज व्हेन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देर आर टू टेंजेंट्स, there are two tangent drawn which gives the direction of which gives two direction of electric field which is impossible, जो क्या है possible नहीं है, clear, समझ आया, नोट कर लें इसको। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप नहीं बनेगा, जैसे हमने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पढ़ी थी, नॉर्थ टू साउथ आउटवर्ड और इनसाइड का साउथ टू नॉर्थ, बट इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि पॉजिटिव चार्ज से रेडी आउटवर्ड जा रही है, नेगेटिव में इनवर्ड जा रही है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी, नहीं, दैट मीन्स वो क्लोज लूप नहीं बनाते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। दो अनलाइक चार्जेस है सपोज करो मेरे पास, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये उनकी क्या है
लाइन ज्वाइन है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ, आउटवर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो यहां पे अट्रैक्शन के कारण लाइन ज्वाइनिंग के पास क्या है, एक दूसरे के पास पास है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, सिमिलरली इस वे में हो जाएंगी। तो यानी ये ध्यान रखना कि इंटरसेक्ट ना करें दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। सिमिलरली यहां से ऐसे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वो क्या होती जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जर्ट लेटरल प्रेशर रिप्रेजेंट रिपल्शन बिटवीन टू लाइट चार्जेस। हमने लाइट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ की थी, वहां पे रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रेशर, लेटरल प्रेशर डाल रही है, यानी एक दूसरे को दूर दूर कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज थी। यहाँ पे टॉपिक खत्म है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बेटा। आप सभी मेरे को जो आप काम करते हो रोज जो नोट्स बनाए आपने मेरे को सेंड किए हैं, लेकिन अभी सभी स्टूडेंट्स के नहीं आए हैं, तो वो थोड़ा ध्यान देना, सभी भेज देना, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।